नेपाली लोक गायक गीतकार समाजसेवी मास्टर मित्र सेन की गोरखा समुदाय 124वीं जयंती मनाने जा रहा है। समारोह में तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबसंग सांगे बितोर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। जयंती के एक दिन पहले 28 दिसंबर को मास्टर मित्र सेन साहित्य संगीत सभा भागचू धर्मशाला की ओर से तोतरानी से धर्मशाला शांति मार्च निकाला जाएगा। नेपाली लोक गायक गीतकार समाजसेवी मास्टर मित्र सेन की गोरखा समुदाय 124वीं जयंती मनाने जा रहा है। समारोह में तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबसंग सांगे बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। जयंती से एक दिन पहले 28 दिसंबर को मास्टर मित्र सेन साहित्य संगीत सभा भागसू धर्मशाला की ओर से तोतरानी से धर्मशाला शांति मार्च निकाला जाएगा तथा दाड़ी स्थित दुर्गामल दल बहादुर स्मृति पाटिका में बच्चों की चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसी दिन गोरखा भवन श्यामनगर में सभा की ओर से हवन का भी आयोजन होगा। ये जानकारी मास्टर मित्र सेन साहित्य संगीत सभा की अध्यक्ष साधना नेपाली, उपाध्यक्ष सुरेश थापा और हिमाचल पंजाब गोरखा एसोसिएशन के अध्यक्ष RS राणा ने प्रेस वार्ता में दी। 29 दिसंबर 1895 को जन्मे मास्टर मित्र सेन थापा भारतीय नेपाली साहित्य के इतिहास के महान व्यक्तित्व रहे हैं। वे उच्च कोटि के कवि, गायक, साहित्यकार, निबंधकार, धर्म प्रचारक एवं समाज सुधारक रहे हैं। देश की आजादी व अन्य कार्यों में उच्च स्तर की उपलब्धियों को लेकर भारत सरकार ने वर्ष 2001 और नेपाल सरकार ने वर्ष 1999 में डाक टिकट भी जारी किया था। हिमाचल एवं पंजाब गोरखा एसोसिएशन के अध्यक्ष RS राणा ने बताया कि मास्टर मित्र सेन की 124वीं जयंती पर दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 28-29 दिसंबर को किया जा रहा है। 28 दिसंबर को शांति यात्रा निकाली जाएगी तथा भाषण व चित्रकला प्रतियोगिता होगी। वहीं 29 दिसंबर को कॉलेज ऑडिटोरियम में होने वाले कार्यक्रम में तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबसंग सांगे बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि हमारे मास्टर मित्र सेन थापा जी, जो कि हमारे गांव तोतारानी के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, संगीतज्ञ और हमारे कवि रहे हैं और बड़े लेखक रहे हैं, और उन्होंने स्वाधीनता से पहले जो कार्य किए हैं, लोगों को जागरूकता फैलाई है स्वाधीनता के लिए, उसके कार्य को देखते हुए पर हमारे भारत सरकार ने उनकी याद में 2001 में एक डाक टिकट जारी किया। उसी तरह से नेपाल सरकार ने भी 1999 में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। 28 दिसंबर को हमारे यहाँ शहीद दुर्गामल दल बहादुर वाटिका जो दाड़ी में स्थित है, वहाँ पे एक पेंटिंग कंपटीशन उनके याद में किया जाएगा और वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। उसी तरह से 29 दिसंबर को जो है हमारे कॉलेज के सभागार, जो ऑडिटोरियम है गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला, वहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया जाएगा जिसपे पूरे हमारे समाज के जितने भी हमारे धर्मशाला, पूरे हिमाचल की वहाँ पे छवि मिलेगी आपको, और साथ में तिब्बतन और हमारे नेपाली साहित्य का जो हमारा वहाँ पे आपको देखने का मिलेगा। और हम उस दिन हमारा जो चीफ गेस्ट रहेंगे, उस हमारे CTA के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर लोबसंग सांगे जी हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। उसी तरह से हमारे जो साहित्यकार हैं डॉक्टर ओम अवस्थी जी, वो इस सभा का जो है वो करेंगे, वो रहेंगे अध्यक्षता वो करेंगे इस सभा का। और इसमें हम सभी जो हमारे श्रीमती साधना नेपाली जो कि अध्यक्ष हैं, इतने बुजुर्ग हैं, 86 साल के वर्ष में इन्होंने बहुत बड़ा कार्यभार सौंपा है, और इस कार्य में जो हमारे युवाओं को हम एक संदेश देंगे कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो जो कार्य किए हैं, और ख़ास करके नशा को उन्होंने प्रमुख रूप से रखा है कि भाई नशा जो है हमारे युवाओं में नहीं होना चाहिए, उस संदेश को भी हम उस दिन वहाँ पे देंगे पूरे समाज को। हाँ, शांति मार्च 29 दिसंबर को जो है, जो उनका जन्म दिवस है, उस दिन हम जो है यहाँ से धर्मशाला के जो कचहरी अड्डा है, यहाँ से लेके नीचे कॉलेज के सभागार तक जो है, हम पूरे गोरखा समुदाय और दूसरे हमारे जो साहित्यकार समुदाय से जितने भी हैं धर्मशाला के, वो सभी मिलकर उनके याद में एक बहुत विशाल रैली निकालेंगे। 124वीं ये जयंती है, 1895 में उनका जन्म हुआ, 29 दिसंबर 1895 में गाँव तोतरानी में। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियाँ।